आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज़। जो अपनी माँ की कदर नहीं करता वो ये सोच ले कि तुम भी किसी के माँ बाप हो, अगर आपके साथ भी आपकी औलाद ऐसा बर्ताव करेगी तो सोचो आपका गुजारा कैसे होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, ये हर मोमिन जानता है और मानता है। बदनसीब है वो लोग जो अपनी माँ के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं। बहरहाल ऐसा ही एक वाकया, सैदाबाद के रहने वाली 70 साल ज़ैफ खातून का 9 करोड़ का घर जो बड़े बेटे ने बिना बताए उनके नाम कर लिया, कहते हुए बेगम बाज़ार RDO कोर्ट में 4 बेटों के खिलाफ एक अर्जी दी। कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए उन 4 लोगों को अपनी माँ को हर महीना उनके खर्चे के लिए 13,000 रुपये देने को कहा। 4 बेटों ने उनकी माँ पागल है कहते हुए सिर्फ 4,000 रुपये देंगे कहा, और साथ में एक खातून को गाली गलौज करते हुए उसको मार देने की धमकी भी दी। 70 साल ज़ैफ खातून साजिदा बेगम ने बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन जाकर 4 बेटे इम्तियाज़ अली, बरकत अली, एहतिशाम अली, एजाज अली पर उनको कमरे में चैन से बंद करके रखने का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की, तेलंगाना पुलिस से इंसाफ दिलाने की मांग की। रिपोर्टर मोहम्मद जमील के साथ मैं मोहम्मद दस्तगीर, TSN न्यूज़ हैदराबाद। एक महीना भर पहले यहाँ आप कलेक्टर RDO ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए तो 5-6 दिन पहले मेरे को लेटर मिल जाए। आज एकदम कलेक्टर ऑफिस बोलते, आज मैं कलेक्टर ऑफिस गई, मेरी 7 मंथ गए तो 70 ईयर एज हो चुके थे, तो मैं एक को साथ लेके जाती हूँ उनको शुरू से उनको साथ लेकर के जाती हूँ। उन्होंने आज मेरे साथ में गए तो उन्होंने मजिस्ट्रेट और कलेक्टर साहब पूछे, मैं एकदम जवाब दी तो क्या बोलते, मैं ऐसा रुक रही थी तो उन्होंने बोले ऐसा एकदम ये करे तो खींचे पैसे डाले हुए, तो मतलब सर 2 मजिस्ट्रेट मेरे तरफ फैसला कर दिए, ये लोग मान रहे नहीं, हर वक्त अपील कर रहे हैं दूसरे कोर्ट में, अभी भी ये दूसरे मजिस्ट्रेट भी कई के लिए डाले आप कोर्ट में। मेरे को बहुत सता है बेटे, बहुत। कौन सता रहे आपको? मेरे बेटे 4। क्या नाम है? बड़े का एजाज अली, उसके बाद इम्तियाज अली, उसके बाद एहतिशाम अली, उसके बाद बरकत अली। क्या बोल के सता रहे? और बहू का नाम उमा इकबाल जी। बहुत करे मेरे साथ, बहुत परेशान करे। अच्छा फिर उसके बाद 2013 में निकाल दिए मेरे को, फिर उसके बाद में 2015 में मेरे को लेकर गए, सो मैं लेकर आदमी समझा करके जान दो बच्चे ये करो, नहीं मैं बोली मैं नहीं मानती मैं नहीं करती बोल के मैं बोली, तो बोले नहीं नहीं चलो माफ़ी चाहते हो चाहते बोल के हमारे को लेकर के गए घर को। कहीं भी निकाले आपको घर के बाहर? घर के बाहर वो बीवी आदि बीवी जैसा सिखाते थे वैसा बोलते। चारों बेटे वैसे चारों बेटे का एकदम नहीं करे, मगर ये बड़ा बेटा जो है ना चारों बेटे कमाए घर बनाए करे, अब घर अपने नाम पर कर लिया बड़ा बेटा, सॉलिड अपने नाम के ऊपर में कर लिया, अब इन लोगों के नाम पे करो वैसे नहीं करते होते, इन लोगों बोले जान दे नहीं करते, हम बोला आज नहीं तो कल करेंगा, अपना पूछिए बीचे में, तो मैं बोलना छोड़ रही हूँ। हुआ मेरे को घर से एकदम निकाल दिए बाहर, चबूतरे के ऊपर में गाड़ी के ऊपर में डाल दिए, 2 दिन में वहाँ पर रही करीब, फिर उसके बाद में मैं निकल के घर गई तो इन लोगों का सहारा मिला। कौन दिया सहारा आपको? ये आपके पड़ोसी आ गए? हाँ पड़ोसी वैसे झूठे है, मगर दोस्ती 25 साल से आपके हमारे हस्बैंड से जब से ही एकदम दोस्ती थी उनसे, उन लोगों से, तो उन लोग मेरे को एकदम सहारा दिए करे, रूम दिलाए, रूम में रखे, एक रूम में हूँ मैं, वो रूम में आकर के मेरे को 2015 में लेके गए। लेके जाने के बाद में क्या करा सर, फिर उसके बाद में 2 महीना 17 दिन अच्छा रखा, पूरे खानदान में ससुराल में मशहूर कर दिया कि मैं पागल हूँ, जब मेरे को फूसला मना के महल्ले के लोग भी समझा के मेरे को घर को एकदम भिजा दिए, घर को बच्चों के साथ में भिजा दिए, तीनों आ करके सामान उमान जो भी था मेरा लेकर के चले गए। मैं बोली मैं अभी नहीं आती, ईद के 8 दिन 15 मई ईद के 8 दिन पहले 8 दिन हो गई थी ईद लेकर के गए, मैं बोली मैं अभी नहीं आती, मेरे पास मैं कपड़े सिलाई करके ज़िंदगी गुजार रही, मेरे कस्टमर के कपड़े बहुत है कपड़े। आप क्या कर रहे हैं रूम में है कि इसलिए जब रह रहे हो? मैं सिलाई करके रह जी, अब आपका आप बहुत कर रहे हैं जी, आप खुद सिलाई करके फोटोज भी है बताती हूँ, आप खुद सिल रहे हैं जी? हाँ मैं आप नहीं सी दिन सर अकेले रहते हैं? आप अकेले रहती हूँ। आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं आपको? अभी आप
घर पे आके धमकियां दिए। क्या बात, बाजू वाले बहुत समझाए तो जब से दो साल से मेरे पास में नहीं आ रहे। क्या बोल के धमकियां दे रहे थे आप? मार देते हमारे सालों को, लाते करेंगे, केस उठा देंगे, केस उठा लो नहीं तो फिर अच्छी। आप क्या केस डाले लोगों के ऊपर? मेरा हक मांगने के वास्ते, खाने पीने के गुजर के वास्ते बोल करके पैसे दो बोल करके। तो नहीं देते बोले पैसे? नहीं देते बोले। जब मजिस्ट्रेट फाइनल करे तो मेरे को फाइनल करे तो फिर दूसरे जगह डाले, दूसरी जगह डाल करके फिर हम नहीं देते बोल करके वो मजिस्ट्रेट के ऊपर में 3,000 रूपए। साल केस अम्मा बेटे एकदम 13 से हिसाब करवा, 2013 से केस चल रहा था। पूरा सोना ले लिए, सामान ले लिए, सब ले लिए, फिर दोबारा 2015 में ले आके कस्टमरों का सामान ले लिए, पूरा लिखा हुआ है कोर्ट में मेरा। कितने जो है ना, कितने बेटों की शादी हुई आपसे? एक बेटे की शादी हुई थी, बच्ची हमारे पसंद की है, समझे ना, पसंद कर लिए, करा दिए, कर लिए। उसके बाद से दो महीने के बाद से, शादी के दो महीने के बाद से पूछ रहे घर में? नहीं, हक के लिए आप अपना पूछ रहे? हाँ, मेरा सामान अलग रह रहे तो भी आपको नहीं रहने दे रहे थे, वहाँ पूछा जाए पुलिस स्टेशन में 2500 एप्लीकेशन है, बुला के समझा करके। आज क्या करें आपके साथ? आज ये मैं आखिर देख के दोनों को, दोनों में स्टेट करे तो नहीं देते। अब यहाँ हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का अभी नहीं आया सर, एकदम अभी आज क्या करे? आज एकदम ये RDO ऑफिस वाले 3 महीना पहले इलेक्शन था ना, जब मैं एप्लीकेशन दी तो माँ अभी एप्लीकेशन दिए आप ले लो, हम काम में लगे हुए हैं, आपको लेटर भेजते जब आना हुए तो लेटर भेज दीजिए 8 दिन पहले, आज का डेट था है जी। आज का डेट था तो मैं आज एकदम गई इनको लेके, अभी दवाखाने से अभी जी। क्या बोले RDO में? क्या बोले RDO में गए तो RDO बोले क्या हुआ एकदम ऐसा कैसे करे, बोले तुम लोगों को पूछे तो बोले साहब हम लोग 4,300 रुपये डाल रहे। तो मैं बोला नहीं सर, मैं कब बुक लाना भूल गया, 3,000 रुपये डाल रही। अब ये 2-3 महीने से मैं बैंक गई नहीं, 2-3 महीने में अगर 8-1300 रुपये एक्स्ट्रा करे तो वो मेरे को नहीं मालूम, मैं ला के आपको बताती क्यों ऐसा एकदम कर रहे हैं। बल्कि उन्हें सौ पढ़ ले करके लिखने लगा तो वो हम मेरे को बोले ये औरत पागल है, वकील के साथ आए थे लायर के साथ, तो ये औरत पागल है, इन्हों पागल है बोले मेरे को। तो मैं बोला मैं कहीं को पागल हूँ, तुम्हारे 7 केस चल रहे हैं सैदाबाद PS में, आप ही डाले सर 7? नहीं नहीं, दूसरे दूसरों से लड़े। अब जस्ट एकदम मस्जिद में, एकदम शामरदम मस्जिद में खूना खूनी मारम पीटी एकदम हुआ आपके साथ। RDO ऑफिस में क्या क्या गाली क्या बोले उन्होंने? मैं बोली बोले तो उन्होंने बोले के जो है देख के वो 12,000 था कि बोले। मैं बोला कुछ सबूत दीजिए सर, बोले तो आपके पास लेटर आ जाएगा। मैं लिखा तो नहीं हम नहीं देते, नहीं था हम 4,300 दे रहे उनको नहीं देते, बोले तो उन्हें डांटा, इन लोगों को डांट के बोला, गुस्सा करके बोला कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। सरकार और एक भाई कहाँ है वो बोला, उसको भी सैन लिया, फिर तीसरे को भी बुला सैन लिया, फिर चौथे को भी बुला सैन ले लिया। हम लोगों का वहाँ चल रहा केस हाईकोर्ट में, तो वो उन्हें बोला वो हाईकोर्ट का हाईकोर्ट में चलने दो, यहाँ का यहाँ है, मैं तो ये लिख रहा हूँ बोल कर लिख लिया। उन्हें भी बोला खाऊँ बैठो ना कुछ गड़बड़ करो खाऊँ बैठो बोला। आपके बेटे अब इसका सर वो देख के पढ़ के लिख रहे थे, उन्होंने तो मेरे को क्या पता चलता है इन्हों पागल है, हमारा हाईकोर्ट में केस चल रहा वो कर रहा, हम चारों का इकट्ठा करें वो उनसे बात करा, फिर इनको बोला ये पैसे खा ले रही 3-4,000 उठा के, हम ये पागल औरत उनको दे रही, उन्होंने अपना एकदम ले ले रहे हैं इनसे दीवाना बना के। क्या होता है तेरे को तो ऐसा मारूंगा, चप्पल उठा के मारूंगा, ओके चप्पल उठा करके पैर नहीं उनका कह रहे तो RDO ऑफिस वाला और उसके साथ वो रहते नहीं पेपर हाँ। रहते खाऊ बैठो बाबा खाऊ बैठो ऐसा ना को कर, अभी आप क्या चाह रहे? उनको गाली दिया। आप जो लड़ाई अभी आप क्या चाह रहे? मैं अपने वास्ते एकदम बुलाए तो मैं आपको क्या होना क्या हक है? मेरा मादरी हक जो भी है एकदम देना ना सर, मैं क्या आपका खर्चा देना बोल रहे तो उन्होंने मैसेज लिखे शायद RDO ऑफिस वाले लिखे देंगे बोल करके, तो हमारा वहाँ चल रहा तो वहाँ का वहाँ समझो यहाँ ये मैसेज का हुआ है, लायर को लेके आया था उन्हें, हमारे लायर नहीं है बाहर गए दिल्ली। ठीक है, अभी आपको हक अभी आपको क्या होना वो बोलिए आप। वो हमारे मजिस्ट्रेट हैं दोनों जो मेरे फेवर में करे, 15,000 रुपये 14,000 रुपये दो, आँख का ऑपरेशन का दो और वो दो क्या बोलते 3,000 रुपये बीमारी के दवाइयों के वास्ते दो और 4,000 रुपये किराया दो बोल के मजिस्ट्रेट हम पास कर दिए। तो उन्होंने नहीं देते बोले? उन्होंने दिए थे 3,000 से कम 4,000 से कम नहीं देते बोले। तो मैं क्या करूँ बोलो, 3,000 की दवा खाऊँ, 3,000 रुपये किराया दूँ,
या 3,000 में खाऊं, क्या करूं मैं बोलूं। अगर मैं कल गिर गई, 9 करोड़ की बिल्डिंग है, आरडीओ ऑफिस कलेक्टर ऑफिस वाले आके पुलिस वाले पूरा फोटो लेके गए घर की, आपके 9 करोड़ की जायदाद है वो, मेरे को ऐसा देख के बाहर ऐसा ढकेल दिया, देख के उन लोग खटाखट फोटो लेके कोर्ट में गई। आपकी जायदाद क्या से आपके साथ इन लोग ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ और आप लोगों का? नहीं, हम लोगों का कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी क्या से कर रही है, बीवी के बातों में है। शादी लेट में हुई, करो करो बोल के जबरदस्ती हम कर रहे हैं, बीवी और ससुराल दोनों ही सुनो। आपके तीनों बेटे कुछ भी नहीं बोल रहे फिर? आप कुछ भी नहीं बोल रहे, उन लोग भी उनके साथ इतने गालियाँ मेरे को ऐसे कभी कभी दिए, मेरे को जबान पे लाने के वास्ते शर्म आ रही साथ। आपकी औलाद समझे ना, हमारी औलाद बी के सामने, एक बहू के सामने एनी टाइम मेरे को फेस करना पड़ता, उसको सामने खड़े के मेरे को गालियाँ दे तो मैं उसका फेस कैसा करूँ, बोलिए आप मेरे को, समझे ना। अच्छा मिनिस्टर पूछे, तुम्हारी माँ को तुम ले आके रख लो, एक कमरा दे के रखो बैठो, मैं भी एग्री नहीं हूँ, हमारे भाइयाँ भी एग्री नहीं है, हम उनको नहीं रखते। तो मैं बोली मेरे को इन्हों क्या नहीं रखेगा सर, मैं खुद मेरे मेरे वजन के हिसाब से रुपया तोल के भी डाल के मेरे को चल के घर में रखो, बने हाथ बन दिया रस्सी से सर, मुँह में पैर में चैन बांधा 2015 में, हम सास से मिले बुला के समझाते रहे, वो क्या कर ले रहे की पुलिस वाले समझ में नहीं आता, कम्प्लेन दिए सो दिए, एक कम्प्लेन नहीं है मेरा, 2500 रोड पे आके धमका है सो वो भी कम्प्लेन है मेरा, हर कम्प्लेन है, मगर वो पुलिस वाले और नहीं अब से नहीं करेंगे अम्मा, उन लोगों को हम समझा दिए करेंगे, माँ बेटों का हिसाब है, अब जाके परसों फिर एप्लीकेशन दे करके आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं बोले। तो मेरे को 2 दिन पहले फोन आया वहाँ के, आओ बोल करते बच्चे आ रहे हैं, आओ आपका एकदम बातचीत है, तो मैं बुखार एक बुखार है मेरे को, समझना चाहते ठीक है। अभी आपके जो बच्चों में कंप्लेन दिया, अब एक्शन सैदाबाद पुलिस ने ली? नहीं अभी कहाँ गए, अब गई से नहीं ना, पहले तो यहाँ पहले के केसों में नहीं लिए कोई, महीने में भी 5 है अभी, जस्ट नजदीक में 1 महीना हो रहा है, खूब मार लड़ाई खून खच्चर एकदम हुआ, ठीक है उन लोगों को जरा सर थू थू कर रहे, पूरा महिला मेरे साथ है, मगर क्या बोलते ये लोग एकदम नहीं, मजिस्ट्रेट का बात नहीं मान रहे, सरकारों का बात नहीं मान रहे, तो आप किसका बात मानेंगे, उन लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए सर।